सर, आज भोपाल में मार्च निकला है सीएए के विरोध में। कमलनाथ फिर दोहरा रहे हैं कि हम उसे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे मध्य प्रदेश में। देखिए, इनको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए कि जब भी कोई एक्ट बनता है और पार्लियामेंट से पारित हो जाता है, उसमें धारा 252 के अंतर्गत सभी राज्य बाध्यकारी हैं कि उसका पालन करें। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार असंवैधानिक बात कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करे, ये बहुत अफसोस की बात है। और राजनीति अपनी जगह है, पर देश को पहले सोचना चाहिए, समाज को पहले सोचना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ कुर्सी की चिंता कर रही है, वोट बैंक की चिंता कर रही है, देश के बारे में नहीं सोच रही। ओवैसी का भी एक बयान आया सर, कि उनका कहना है कि गृह मंत्री जो है बहका रहे हैं एनपीआर और एनसीआर एनआरसी को लेकर। अब उनको अगर समझने नहीं चाहते हो तो उनका तो कुछ कहने इलाज ही नहीं है। वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। जब भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि नहीं 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 दूध का रंग सफ़ेद होता, तो कहेंगे नहीं नहीं काला होता है दूध, तो काली भैंस होता है इसलिए काला होता। तो उनसे तर्क कुतर में जीत नहीं सकते हैं। ऐसा है कि जिस दिन ओवैसी जी सोचने लगेंगे कि मुझे समझना, तो समझ जाएंगे, आदमी इंटेलिजेंट है, पर वो समझना नहीं चाहते हैं। जो वास्तव में सो रहा है उसको तो आप जगा सकते हैं, जो सोरे का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते।